नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व प्रदेश में 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू किए जाने की घोषणा की है। इसमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे। उन्होंने कहा है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। मुख्यमंत्री सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद जनता के नाम संदेश दे रहे थे। रायपुर पुलिस ग्राउंड में हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष हमने 51 स्कूलों में यह योजना प्रारंभ की थी, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच चुके हैं। इनमें से 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष 252,600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया है, जिसमें 103,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम तथा 149,600 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। योजना की सफलता को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के 100% शासकीय हायर एवं हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद स्कूल में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अपना वादा निभाते हुए हमने नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की भी कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों तथा 8वीं कक्षा तक मदरसों के बच्चों को लगभग 52 लाख पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही है। नवीं कक्षा में पढ़ने वाली 1,55,000 छात्राओं को इस वर्ष निःशुल्क साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। व्यवसायिक और उच्च शिक्षा पर भी बना रहेगा जोर। मुख्यमंत्री ने इसमें कहा है, स्कूली शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के लिए उसका ITI के साथ समन्वय किया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा और ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 114 हायर सेकेंडरी स्कूल को जोड़ा जा चुका है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1,459 सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालकों की नियुक्ति की गई है। अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। सभी जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्रम में मुंगेली में नया कन्या महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दुर्गम वन अंचलों में PPP मॉडल पर महाविद्यालय खोलने की कोशिश से शिक्षा का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्कृष्ट शासकीय महाविद्यालयों में मुक्त दूरवर्ती शिक्षा केंद्र की स्थापना, स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम और बस्तर विश्वविद्यालय में आदिवासी लोक नृत्य एवं संगीत पर भी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की पहल हुई है। इसमें युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के साथ बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसमें कहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं। इसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया है, तो वहीं यह काम अब अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।